जहां सरकार में है उधर कोई काम नहीं आ रहा इसका, मगर दूसरे के ऊपर आरोप करो मेरा कॉपी पेस्ट स्टिक किया। आपको कुछ मीम्स दिखाती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी आजकल सबसे ज्यादा मीम्स करती है और इस मीम में कांग्रेस पार्टी ने लिखा कट कॉपी पेस्ट बजे, कुर्सी बचाओ बजे, क्योंकि बहुत सी चीजें बजट में ऐसी थी जो उन्हें लगा आपने उनके मैनिफेस्टो से उठाई है। कांग्रेस पार्टी का स्कीम घोषणा करना और उसको इम्प्लीमेंट करने में हर तरह का एक्सक्यूज देना, ये नया बात नहीं है। मैं एक बार पहले भी एक बार पार्लियामेंट में ये स्पष्ट की है कि हमारी स्कीम है उसका श्रेय हमें नहीं दे रही हो, ये आरोप आता रहता है कांग्रेस से। स्कीम घोषणा करना एक विषय, उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना दूसरा है। जो क्षमता कांग्रेस पार्टी में नहीं है घोषणा करते हैं, जो प्रॉमिस कर्नाटका के उदाहरण लीजिए ना, चुनाव के समय में दिया फ्रीबीज इतने सारे और इंप्लीमेंट करने के लिए जब जाते हैं उनके सीएम के एडवाइजरी बोलते हैं हम इसका फाइनेंस कर नहीं पा रहे, अगर इसको करना है तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा। डिप्टी सीएम भी वही कहे, एडवाइजर भी वही कहे। सो कांग्रेस का मैं ये कर्नाटका के उदाहरण दे रही हूं और दूसरा ये भी कह रही हूं, इतने सारे अच्छा घोषणा करके आपके कांग्रेस चलाने वाले सरकार कर्नाटका के अलावा तेलंगाना में है, ये उधर इंप्लीमेंट करके दिखाओ भाई, हिमाचल में है उधर भी इंप्लीमेंट करके दिखाओ। जहां सरकार में है उधर कोई काम नहीं आ रहा इसका। टैक्स है वो टीडीएस पे कटता है। और एक मीम जो मुझे दिखा, जो मुझे बहुत लगता है कि हर मिडिल क्लास घर में, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं सोशल मीडिया में, वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजें पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। हम टैक्स रेट कम करने के लिए हर कोशिश करिए, दैट इज व्हाई वी ब्रॉट इन द न्यू टैक्स रेजिम, द सेकंड द ऑल्टरनेटिव न्यू रेजिम which has far lesser rate compared to the old regime. The old regime has a lot of exemptions and so on. Many people said we don't need the exemptions, so we brought that. That's one. We try to reduce and simplify the taxation, the entire system and regime itself. And it's difficult to convey this, and I don't know how I'm going to do this without causing this outrage about, you know, how dare the finance minister say this. But let us, matter of fact, please allow me this indulgence. Is GST tax on the essentials? Was it brought in only by GST? When they taxed under the earlier pre-GST regime in every state, through VAT or through excise, don't tax or great principle. Great principle. Don't tax at all. But to say that it is GST which brought it on my soap and oil, my comb, with due respect, yaar, whether you want to accept it or not, even I come from a middle class family which lived on salaries. Do you think I'm here now doing things which I don't understand? With due respects, GST on daily use items, they were, every state was doing its own earlier.
that's been brought together so that it becomes simple and one all over the country.